अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैंक अलाबी में जॉब्स आई हैं और ये जॉब सिर्फ़ और सिर्फ कराची के लोगों के लिए, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सिंध डिस्ट्रिक्ट कराची में रहते हैं वो लोग, उनके लिए जॉब्स हैं। पंजाब के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीका आपको दिखाएँगे, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो नेक्स्ट दोस्तों, आपने rozi.pk की साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने बैंक लिखना है या बैंक अल हबीब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की ये जॉब्स आई हुई हैं फॉर कराची पाकिस्तान। तो दोस्तों, कराची के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जिनकी मास्टर डिग्री है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपके सामने जॉब डिस्क्रिप्शन है कम्प्लीट, तो स्किल्स आपके सामने हैं, ये आपने अपनी इस तरह ऐड कर लेनी है। और आपके सामने दोस्तों फुल टाइम ये जॉब है, परमानेंट जॉब है कराची के लिए। तो दोस्तों, 20 से 25 साल तक के मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद एंट्री लेवल फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर 16 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों, आपने इस तरह इसमें अप्लाई करना है। हमने अप्लाई नाउ के बटन पर प्रेस किया, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर जॉब अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स को ऐड करना है, एक से ज़्यादा 5 तक आप अपनी स्किल ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपनी स्किल्स ऐड की और उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि आपने इससे पहले कोई इंटरव्यू दिया हुआ है GTO के लिए, तो आपने येस और नो करना है। उसके बाद दोस्तों, आपने अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करनी है कि आपकी मैट्रिक में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि इसमें ओवरऑल आपकी 1st डिवीज़न है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ओवरऑल आपकी हर डिग्री में, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर सब में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। तो हम उसी तरह अपनी ये डिवीज़न्स हम आपको ऐड करके दिखा रहे हैं कि किस तरह आपने इसमें ऐड करनी है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये कराची के लिए नहीं है, तो हम इसलिए हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि कराची के लोग इसी तरह अप्लाई करेंगे तो उनका ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, हमने बैचलर की जो आपकी परसेंटेज होगी, यहाँ पे इस तरह आपने अपनी परसेंटेज ऐड करनी होगी, परसेंटेज का साइन भी आपने साथ में लगाना है। तो दोस्तों, उसके बाद मास्टर की आपने देनी है, तो उसके बाद ही दोस्तों आपने कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत आसान तरीका है, आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने हमने ये एंट्री दे दी है, नेक्स्ट आपने कंटिन्यू कर देना है। तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी, यूर आपकी कंप्लीट CV आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपने अप्लाई के बटन पे प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, जो लोग कराची के लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपका उनका अप्लाई सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। हमारा, क्योंकि पंजाब से ये हम बनी हुई है हमारी CV, इसलिए हमारा ये अप्लाई नहीं हुआ। शुक्रिया।